प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक पीतमपुर सीएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल के निर्देश में कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी सागौर राजेंद्र सिंह भदौरिया ने दो आरोपियों को कोडिन सिरप की शीशी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद सादिक निवासी चंदन नगर इंदौर एवं उसका दूसरा साथी आमीन द्वारा अवैध तौर पर कोडिन सिरप की शीशी का ड्रग सेवन करने वालों को सप्लाई करने के उद्देश्य से विक्रय करने के लिए लाई जा रही थी, जिससे पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों से कोडिन फास्फेट सिरप की 30 शीशियां जब्त की हैं और घटना में उपयोग की गई होंडा साइन मोटरसाइकिल भी जब्त की है। द्वारा सूचना मिली कि सागौर थाना क्षेत्र में चंदन नगर इंदौर के दो साथी अपराधी मादक पदार्थ सप्लाई करने आते हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी राजेंद्र भदौरिया एवं उनके स्टाफ ने निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक के पास चंदन नगर के सादिक और रमीन को मोटरसाइकिल से आते हुए पकड़ा, जिनके पास से कोडिन फास्फेट सायरम जो प्रतिबंधित है की 30 शीशियाँ मिली, जो NDPS एक्ट की धारा 8/21 के तहत अपराध है। दोनों अपराधियों को कड़ी पूछताछ के बाद माल जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया गया एवं इनके स्रोत की पता लगाने के लिए इनको पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। सर, ये पकड़ा गया मादक पदार्थ जो शीशियाँ हैं, इनकी कुल कीमत कितनी होगी? सर, इनकी कुल कीमत 15,000 रुपये है। बाजार में इनकी कीमत 15,000 रुपये है। और भी शीशियाँ कब कब सप्लाई किया इन्होंने, कहाँ कहाँ सप्लाई किया है, उसके बारे में भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है।